रूम है आपका, अब आपका जिसमें से मैं टीवी यूनिट भी बना दिया हूँ कि वॉक इन डिस्टेंस मार्केट है आपका, स्कूल वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, सब वॉक इन डिस्टेंस पे आपका है। अच्छा, जगरानी यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 1 किलोमीटर पड़ेगा आपका वॉक इन डिस्टेंस का। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी हब के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपके लिए हर बार लखनऊ के अलग अलग लोकेशन में घर और ज़मीन से जुड़ी जानकारी की वीडियोस लेके आता रहता हूं, ताकि आप लखनऊ में, अगर यूपी की राजधानी लखनऊ में घर लेने का एक सपना देख रहे हैं, तो हम थोड़ी मदद आपकी कर सकें तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो उसी सिलसिले में आज आपके लिए एक बार फिर से जगरानी हॉस्पिटल, जो कि बहुत फेमस है, वहाँ से मात्र 700-800 मीटर की दूरी पर घर स्थित है, जिसकी जानकारी आपके लिए लेके आए हुए हैं। रीजनेबल रेट में रहेगा, लोकेशन वाइज आप देखेंगे एक बार विजिट पे जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी वाइज काफ़ी अच्छा है और सारी चीज़ें इंटीरियर एक्सटीरियर सब आपको इसमें ब्रांडेड लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ओनर के पास और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या लोकेशन लगती है, क्या डील वो दे रहे हैं। राहुल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन में क्या अंतर है और यहाँ आज जो हम खड़े हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में क्या लग जाती है, हमारी फैमिली से कोई आता तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? पिछले लोकेशन में ये था कि हम कुर्सी रोड से जब आ रहे थे तो वो 616 था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग मेन चौराहे पे हैं। जगरानी के से बगल सस्ता मेन वॉक इन डिस्टेंस मार्केट है मेगाहट टेम्पो स्टैंड। यहाँ बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मार्केट, यहाँ से सारी मार्केट आपको वॉक इन डिस्टेंस मार्केट मिलेगा और ये मार्केट से मात्र 50 मीटर दूरी पे आपका मकान है। नियर बाई में अगर आपसे स्कूल पूछे बच्चों के लिए कौन कौन से स्कूल, नियर अबाउट हमारा स्कूल जो है यहाँ पे कामाख्या स्कूल हो गया, माउंट वेरी हो, सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल हो गया है, ये सब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड आपका स्कूल है बच्चों का। ठीक है, खाने पीने की चीजें, खाने पीने जो चीज है आपका यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है, सारी चीज ए टू जेड सब कुछ आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, सब्जी तक मिलेगा आपको। ठीक है, सब्जी वाला आ रहा है? हाँ, सब्जी वाला आ रहा है। बाकी आपके वॉक इन डिस्टेंस रिक्शा भी वगैरह सब आपको मिलेगा। 1050 स्क्वायर फीट का मकान है आपका, पश्चिम फेस का मकान है आपका, पश्चिम फेस का जी। ठीक है, चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपना अंदर दिखाते हैं, पोर्च एरिया आ जाता है। इस पोर्च एरिया की साइज की बात, ये पोर्च जो एरिया है 14x10 का है, ये आपका लॉन हो गया, दो बाइक खड़ी कर सकते हैं आपका, प्लस आप गाड़ी चाहे जो ले आइए इसमें आपका। समरसेबल अपना, हाँ समरसेबल है, वाटर सप्लाई भी है आपका, सीवर यहाँ पे चालू है आपका। इंटीरियर में अगर आपसे टाइल्स पूछे, इलेक्ट्रिसिटी पूछे, टाइल्स हमारा जो है टोटल कजारे टाइल लगा है, सब कंपनी की टाइल्स लगी है टोटल, हमारा फुल फॉर्सलिंग जो है आपका है और सब आपका रेडी मकान है, सब सागवान के आपके पल्ले लगे हैं। ठीक है, चलते हैं अंदर से दिखाना शुरू करते हैं। 1050 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये घर है और घर बाहर से लेके अंदर तक काफ़ी खूबसूरत घर है। ये हमारा डाइनिंग रूम है आपका, अब आपका जिसमें से मैं टीवी यूनिट भी बना दिया हूँ और आपका फुल फॉर्सलिंग है आपकी। अच्छा, फुल फॉर्सलिंग है जी, फुल्ली फर्निश मकान, रेडी मकान है आपका, खाली सामान लेके आए तुरंत शिफ्ट हुई है। ठीक है, ये जो आपने दिया है ये वॉलपेपर है, ये टेक्सचर है? ये टेक्सचर है आपका, टेक्सचर पे डिजाइन है जी, टेक्सचर पे। काफी स्पेसियस दोस्तों ये आपका ड्राइंग रूम है। राहुल जी, अगर साइज पूछे इसका, साइज क्या हो जाएगा जी? 13x14 का आपका ड्राइंग रूम है आपका, 13x14 का जी ड्राइंग रूम है। उसके बाद आ जाता है अपना ये डाइनिंग एरिया जी, डाइनिंग एरिया की अगर आपसे साइज की बात, 16x14 का आपका, 16x14 का है जी, काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ओवरऑल देखिए आप, अगर वहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे तो भी काफ़ी अच्छी आपको इसमें लेंथ मिल जाती है। उसके बाद आपका ये डाइनिंग एरिया हो गया। किचन का साइज, अगर ये किचन साइज हमारा 9x10 का किचन है, जिसमें मॉडुलर किचन बना दे रहे हैं, जिसमें चिमनी भी आपको इंक्लूड करके देंगे पूरा आपका। चिमनी अभी नहीं लगी, कब तक? चिमनी लगा के देंगे, लेकिन इसमें भी मैंने फुल फॉल्सलिंग कर दिया हूँ। अच्छा जी, ठीक है, फॉल्सलिंग दोस्तों आप देख रहे हैं, हर एक कोने पे आपको फॉल्सलिंग मिलेगी, जो जो चीज़ें हैं। मॉडुलर किचन आपका ये है और एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल रहा है। ये मैं वॉश बेसिंग काउंटर दिया हूँ पूरा, वॉश बेसिंग काउंटर कोई बिल्डर जल्दी नहीं देता, लेकिन बट मैं इसमें वॉश बेसिंग काउंटर भी दिया हूँ। क्या साइज हो जाएगा इसका? इसका जो है आपका 3x4 का है, 3x4 जी। ठीक है, स्पेसियस है काफ़ी, आप ये भी देख सकते हैं। ये कॉमन वॉशरूम हो गया आपका जी, ये आपका कॉमन वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल में है जी, इंडियन। और अभी थोड़ा गंदा है, सामान रखा हुआ है। फिर आते हैं हम लोग बेडरूम में, आते हैं जो मास्टर बेडरूम कहते हैं इसको, जिसमें वॉशरूम अटैच भी है प्लस आंगन भी अटैच है इसका आपका। ठीक है, ये हो गया आपका ओटीएस, वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने के लिए पॉइंट वगैरह सब दिया हूँ मैं आपको। ये बेडरूम है आपका, 10x13 का बेडरूम है आपका, जिसमें से, हाँ 10x13 का बेडरूम है, जिसमें से मैं आपको इस पे कमोड वॉशरूम भी दे रहा हूँ अटैच,
अटैच वॉशरूम फैमिली के लिए जी, वेस्टर्न रहेंगे, वेस्टर्न ठीक है। इसमें अगर सीटें वीटें कुछ तब तक लग जाएगी, सीट आपको वन डे में लग जाएगा, मतलब कोई आता है तो उसके आते हैं, हाँ जैसे आते हैं तो उनको एक दिन टाइम लेके सब पूरा फिनिश करके दे देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने कॉमन बेडरूम में जो कि काफी स्पेशियस ये भी लग रहा है दोस्तों। क्या साइज हो जाएगा इसका? 13x10 का आपका, 13x10 का, हाँ इसमें फुल फॉर्मिंग है जी। और इसमें जो हमने टेक्सचर किया है, इसमें कोई वॉल पेपर नहीं, ये हमने हाथ से टेक्सचर किया आपका। अच्छा, ये टेक्सचर है जी, ये टेक्सचर है आपका, ठीक है। फिर विंडो, मैंने विंडो दी, जो विंडो की लकड़ी देंगे सागवन का है, सागवन की लकड़ी जी, सागवन का जो चौखंड मैंने दिया हो साकू मलेशिया का है। अच्छा। पल्ले सब वाटरप्रूफ पल्ले हैं, पल्ले जो है आपके 5-star वारंटी है, और टोटीज वगैरह जो मैं लगा के दूंगा सब 5-star वारंटी टोटी हमारी है सबकी जी। और जितनी कंसील्ड है सब 1-star वारंटी रहेगी हमारी। 1 साल के अंदर कोई कंप्लेन आता है तो तुरंत आपसे सर्विस दूंगा आपका, तुरंत तत्काल आपका। कहने का मतलब है 1 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको संपर्क कर सकते हैं, आप उसका पूरा निवारण करेंगे, तुरंत आपका निवारण कर लूंगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं राहुल जी छत के एरिया पे, थोड़ा अपना छत का भी एरिया दोस्तों को दिखा देते हैं। आपको जो जेट ग्रेनाइट लगाया हो जीने पे आपका जो है, आइए स्टील की रेलिंग आपको जो है काफी कंपनी की स्टील रेलिंग लगाया हो जो 1-star वारंटी है हमारी आपकी जी, आइए ठीक है। उसके बाद छत पे भी आपका ये मोमटी एरिया तो समझ, ये मैंने स्टोर टाइप का दे दिया, जो वेस्ट सामान होगा आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं, ठीक। ये आगे अपने छत के एरिया, जो एलिवेशन मैंने दिया सीसेक टफन दिया हूँ। अच्छा, हाँ ये सीसेक टफन में लगा दिया हूँ, ठीक है। ये मेन चौराहा है आपका, कौन सा चौराहा पड़ जाता है ये? मैं कहले टैक्सी स्टैंड से नियर अबाउट आपका मकान 50 मीटर दूरी पे है, ठीक है। और ये छत का एरिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, टोटल कॉलम पे मकान है, टोटल कॉलम पे बना हुआ जी, ठीक है। और क्या क्या खासियत है इस घर की, और कोई लेगा तो उसको इन फ्यूचर क्या क्या बेनिफिट होंगे? हमारा जो मकान लोकलिटी देखिए, काफ़ी फुल आबादी लोग हैं, पीछे पार्क भी है, मंदिर है आपका, पीछे पार्क भी एक हमारा है, ये लोकेशन पे है टोटल आपका, अगल बगल सब फैमिली रह रही है यहाँ पे, आप भी तुरंत आप रह सकते हैं यहाँ पे आके। और बाकी वॉक इन डिस्टेंस मार्केट है आपका, स्कूल वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, सब वॉक इन डिस्टेंस पे आपका है। अच्छा, जगरानी यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 1 किलोमीटर पड़ेगा आपका वॉक इन डिस्टेंस पे आपका। प्राइस कोट कर रहे हैं वो बता दें और लोकेशन बता दें। आपको 1050 square feet का मकान है, 62 की डिमांड है, इसमें नेगोशिएबल टेबल टूबल बैठेंगे तो बिल्कुल होगा आपका, इज्जत सामान रखा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से बैंकों से फाइनेंस? LIC हो गया, HDFC से, PNB, जैसे जिस बैंक से आप चाहेंगे उस बैंक से मैं आपका लोन करा सकता हूँ, करा सकते हैं। रजिस्ट्री की कहाँ से हो जाएगी? रजिस्ट्री में लखनऊ तहसील से होगा, कैसरबाग। तो कितना टोकन अमाउंट? ऑलमोस्ट मान चलिए आप 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं। इसमें एक्चुअली ये होता है, जैसे आपने टोकन दिया तो हम तुरंत लोन फाइल कर देंगे, जितने दिन लोन फाइल में लगेगा उस दिन तक आप अपना टोकन रहेगा, अन्यथा का जैसे आप नहीं लेते मैं आपको तुरंत टोकन वापस कर दूंगा यदि लोन नहीं होता तो, मतलब टोकन तुरंत वापस हो जाएगा जी, तुरंत। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बता दीजिए क्या? ये आप जगरानी से वॉक इन डिस्टेंस मार्केट है, मैं कह रहा हूं टैक्सी स्टैंड, वहां से मात्र 200 मीटर दूर पे मकान है आपका, 200 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये पूरा मकान आपको दिखा दिया, अगल बगल की चीज़ें भी आपको दिखा दी, बाहर से भी एक बार आप देख लीजिए, सारे घर बने हुए हैं और सब लोग रह रहे हैं। तो 62 लाख आपने इसका प्राइस बताया, हमारी फैमिली से कोई आएगा तो उसके लिए कुछ सामान रखेंगे? हाँ, इज्जत सामान बिल्कुल, टेबल टू टेबल बैठेंगे बिल्कुल, जो भी कहेंगे गुंजाइश बिल्कुल होगा। एक चीज़ आपसे और पूछेंगे, कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, टेढ़ी पुलिया हो गया आपका, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ये सब कितने डिस्टेंस पे पड़ जाएगा? टेढ़ी पुलिया ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा आपका, उससे इंजीनियरिंग कॉलेज 2 किलोमीटर पड़ेगा आपका ऑलमोस्ट, लेकिन नियर अबाउट हम देखेंगे तो जगरानी हॉल पर नियर अबाउट हमारा 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं आपको मकान पर उपस्थित रहूंगा, 7 से 7, ठीक है। राहुल जी तो दोस्तों हमारे साथ, राहुल जी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी फैमिली को दूसरे मकान दिखाते हैं। दोस्तों ये मकान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी पॉश एरिया है, नियर बाई में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सब्जी वाला, स्कूल की वैन, सारी चीज़ें आपको यहाँ कॉलोनी में आती हैं। 62 लाख रुपए इसका रेट रखा गया है, आप आएंगे ऑन द टेबल कुछ ना कुछ निगोशिएट होगा ही होगा हमारी फैमिली के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आप तक लेके आते रहते हैं, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।